हाँ दिया, दो बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगते हैं करीब 15 घंटे। जब देश में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी तो कहा जा रहा है बुलेट ट्रेन से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में महज 8 घंटे लगेंगे। हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जाने में लगते हैं करीब 2 घंटे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 8 मिनट में आप पहुंच सकते हैं दिल्ली से मुंबई, 186 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई का सफर शुरू होने वाला है, सबसे तेज रफ्तार सफर। ये ना मजाक है न चमत्कार, संभव होने वाला है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार सफर। इस तेज रफ्तार सपने को मुमकिन बनाएगा वो स्पेस लाइनर जिसे तैयार कर रही है जर्मनी की DLR स्पेस लॉन्चर सिस्टम एनालिसिस। हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाला यह स्पेस लाइनर आवाज से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगा। 90 मिनट में यूरोप से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाएगा स्पेस लाइनर। साल 2030 तक सच होगा स्पेस लाइनर का सपना। कहा जा रहा है कि स्पेस लाइनर बाकायदा यात्री विमान सेवा होगी जिसमें एक बार में 100 यात्री सफर कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना सचमुच सच हो पाएगा, क्योंकि आवाज से 2 गुनी रफ्तार से चलने वाले कॉनकॉर्ड प्लेन की यात्री सेवा साल 2000 में हुए दर्दनाक हादसे और हवाई यात्रा में आई मंदी के बाद साल 2003 में हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या सच हो पाएगा वो सपना जब मुमकिन होगा पहुंचना दिल्ली से मुंबई सिर्फ 8 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं प्रवीण तिवारी। दिल्ली से मुंबई महज 8 मिनट में, ये कल्पना नहीं सपना है और मेहनत से सपने सच भी हो जाते हैं। जर्मन एरोस्पेस सेंटर का दावा है कि वो आवाज से 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ने वाला स्पेस लाइनर बनाने जा रहा है जिससे महज 90 मिनट में लंदन से सिडनी पहुंचा जा सकेगा। हालांकि नई टेक्नोलॉजी से तैयार पहला स्पेस लाइनर 2030 में ही तैयार हो सकेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तेज रफ्तार सफर अंतरिक्ष के जरिए होगा और इसके जरिए यात्री दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगे महज 8 मिनट में। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जिस स्पेस लाइनर का एनिमेशन देख रहे हैं वो जब सचमुच इसी तरह से हवा से बातें करेगा तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट ही लगेंगे। जी हां, जो स्पेस लाइनर आवाज से 20 गुना तेज रफ्तार से चलेगा उसके लिए दिल्ली से मुंबई जाना वैसे ही होगा जैसे हम अपने घर से पड़ोस के शॉपिंग मॉल तक जाते हैं। स्पेस लाइनर की योजना पेश करने वाली कंपनी का दावा है कि 2030 तक ऐसी यात्री सेवा मुमकिन है जिससे 1.5 घंटे में यूरोप से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जा सकेगा। भविष्य के इस स्पेस लाइनर को बना रही है DLR स्पेस लॉन्चर सिस्टम एनालिसिस। हालांकि कंपनी का मुख्य मकसद हाइपरसोनिक हवाई सफर की तकनीक विकसित करना है, लेकिन व्यापारिक रूप से इसे सफल करने के लिए 100 लोगों को ले जा सकने वाली यात्री सेवा भी शुरू की जाएगी। Steht aus 2 Stufen das System und wir haben eine große Boosterstufe, wir haben eine Passagierstufe, beide mit Raketenantrieb, die beschleunigen in weniger als 10 Minuten auf mehr als die 20-fache Schallgeschwindigkeit. Und danach befindet sich die Passagierstufe. Ja, Spaceliner aane ke baad filhal jis antar mahadwipiya hawai safar mein 20 se 30 ghante lag jate hain, wo kuch ghanton ki baat reh jayegi. Yatra ka waqt kam karne ke liye स्पेस लाइनर अंतरिक्ष में पहुंचकर वापस धरती पर लौटेगा। ये 2 चरण वाला रॉकेट होगा। पहला चरण यात्रियों के पैसेंजर ऑर्बिटर का होगा। रॉकेट वाला दूसरा चरण बूस्टर स्टेज होगा। बूस्टर स्टेज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ईंधन इस्तेमाल होगा जिससे स्पेस लाइनर महज 10 मिनट में आवाज से 20 गुना रफ्तार से उड़ने लगेगा। सबसे पहले रॉकेट स्पेस लाइनर को सीधी ऊंचाई में 80 किलोमीटर ले जाया जाएगा। इस सफर में महज 8 मिनट लगेंगे।
जब स्पेस लाइनर अंतरिक्ष में पहुंच चुका होगा। यहां से 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता हुआ स्पेस लाइनर अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि हाइपरसोनिक रफ्तार वाले इस स्पेस लाइनर को बनाने की योजना का ऐलान सबसे पहले 2007 में ही किया गया था। बाद में आर्थिक चुनौती के मद्देनजर इसे बंद कर दिया गया। अब DLR ने इसे दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, बशर्ते वो अगले 10 साल में इस प्रोजेक्ट के रिसर्च पर लगने वाली $33 अरब की अनुमानित राशि जुटा ले। In den nächsten Jahren hier im Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen, im Kryolabor, super leichte Tanks mit Kryogen, das heißt mit sehr kalten Flüssigkeiten. DLR ne ise dobara shuru karne ka faisla isliye kiya hai, kyunki ab kai aisi technique ke istemal ki yojana hai, jisse lagat mein kami ki ja sakti hai. Maslan, nayi cooling aur heat shielding technology, space liner ko धरती के वायुमंडल में वापस आने के दौरान पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी से बचाएगा। स्पेस लाइनर को अंतरिक्ष में ले जाने वाला बूस्टर स्टेज रॉकेट के वापस धरती पर लौटने पर अब उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इसके बावजूद स्पेस लाइनर के लिए अलग लॉन्च साइट बनानी पड़ेगी, जो इसकी लागत को और यात्रा के टिकट को महंगा कर सकता है। यानी दिल्ली से मुंबई 8 मिनट में पहुँचा तो जा सकेगा, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हाइपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाले सुपरसोनिक विमानों से भी ज्यादा तेज रफ्तार वाली उड़ान। बहुत से फौजी विमानों की सुपरसोनिक रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार से यात्री विमान उड़ाने का लक्ष्य पाना आसान नहीं है। इसके लिए कई तरह की तकनीकी चुनौतियों से पार पाने की जरूरत पड़ेगी। नई तकनीक के विकास पर $अरबों का खर्चा भी आएगा, लेकिन लगता है कि अब बड़ी कंपनियां खर्च की परवाह नहीं कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में एयरबस ने भी अपने हाइपरसोनिक विमान का पेटेंट कराने का ऐलान किया है। कुछ ही घंटों में अंतर महाद्वीपीय यात्रा, ये सपना सिर्फ जर्मन कंपनी DLR ही नहीं देख रही। कम से कम आधा दर्जन कंपनियां हाइपरसोनिक विमान बनाने की दौड़ में शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन से लेकर जानी मानी विमान निर्माता कंपनी एयरबस तक ऐसे हाइपरसोनिक विमान विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से न सिर्फ हवा में उड़ सकें, बल्कि चंद घंटों में महाद्वीपों के बीच की हजारों किलोमीटर की दूरी भी पार कर लें। आवाज की रफ्तार 343.2 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी आवाज एक घंटे में 1,236 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन अब आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हाइपरसोनिक प्लेन बनाने की तैयारी है। इस मामले में एयरबस आगे निकलती दिख रही है। खबरों के मुताबिक हाल ही में एयरबस ने एक हाइपरसोनिक जेट को पेटेंट कराया। एयरबस के हाइपरसोनिक जेट की रफ्तार 4.5 मैक होगी, यानी एयरबस का हाइपरसोनिक जेट आवाज से 4.5 गुना तेज होगा। अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क दफ्तर से एयरबस ने जिन नए हाइपरसोनिक जेट का पेटेंट हासिल किया है, उसमें जेट को एक एयर व्हीकल बताया गया है। पेटेंट के मुताबिक एयरबस का हाइपरसोनिक प्लेन 3 अलग अलग तरह के इंजन से आवाज को 4 गुना ज्यादा रफ्तार बनाएगा। ये तीनों ही इंजन अलग अलग तरह के हाइड्रोजन आधारित ईंधन से उड़ने के लिए ऊर्जा पैदा करेंगे, जिससे एयरबस का हाइपरसोनिक प्लेन 3,425 मील प्रति घंटा यानी 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। पेटेंट के डिजाइन के मुताबिक एयरबस का हाइपरसोनिक जेट 2 टर्बोजेट इंजन की मदद से नाक की सीध में आसमान की तरफ उठेगा। रॉकेट इंजन की मदद से जब जेट 30,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तब इसके डैनो में लगे रैमजेट इंजन चालू हो जाएंगे। एयरबस इस हाइपरसोनिक जेट से एक बार में 20 यात्रियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। पेटेंट में एयरबस ने बताया है कि नागरिक प्रयोग के तहत हम कारोबारी यात्रा यानी कि VIP यात्रियों के इसे डिजाइन कर रहे हैं, जिन्हें एक ही दिन में अंतर महाद्वीपीय सफर करके लौटना भी होता है। एयरबस का कहना है कि उसके हाइपरसोनिक जेट के जरिए टोक्यो से लॉस एंजल्स की यात्रा महज 3 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। लेकिन ऐसे ही तेज रफ्तार विमान की योजना
न सिर्फ अमेरिकी रक्षा विभाग बना चुका है बल्कि उसे उड़ाकर भी दिखा चुका है। पिछले ही साल पेंटागन ने एक मानव रहित हाइपरसोनिक जेट का परीक्षण किया था। अमेरिकी एयरफोर्स के एक विमान पर लगा X-51A वेब रडार नाम का ये हाइपरसोनिक जेट 5.1 मैक की रफ्तार से सफलतापूर्वक उड़ चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स के अफसरों का मानना है कि रक्षा विभाग का ये हाइपरसोनिक प्लेन साल 2023 तक महाद्वीपों की दूरियां महज कुछ घंटों में नापने लगेगा। माना जा रहा है कि हाइपरसोनिक जेट बनाने का अमेरिकी रक्षा विभाग का मकसद यात्री सेवा का विकास नहीं है बल्कि वो इसके जरिए नए तरह के मिसाइल और हथियार बनाना चाहता है। हालांकि अब तक होता ये आया है कि रक्षा क्षेत्र के लिए जिन तकनीक का विकास हुआ उन्हीं को आगे चलकर कुछ फेरबदल के साथ में आम लोगों के इस्तेमाल की तकनीक के रूप में अपना लिया गया। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ तो ताजुब नहीं होना चाहिए। पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाने की इंसान की ख्वाहिश सदियों पुरानी है। रामायण और पौराणिक ग्रंथों में जिस पुष्पक विमान का जिक्र आता है कहते हैं वो मन की गति से चलता था। हालांकि सचमुच के ऐसे विमान बनाने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन आवाज से दोगुनी रफ्तार वाला यात्री विमान न सिर्फ बनाया जा चुका है बल्कि लंबे वक्त तक लोगों ने इसके तेज रफ्तार सफर का लुत्फ भी उठाया है। दुनिया इस विमान को कहती थी कॉनकॉर्ड। स्पेस लाइनर, ऐसा हाइपरसोनिक विमान जो दिल्ली से मुंबई सिर्फ 8 मिनट में पहुंचाएगा। लेकिन स्पेस लाइनर को कागज पर बनी योजना से हकीकत में साकार रूप में आने में करीब 15 साल और लगेंगे। एयरबस का हाइपरसोनिक जेट, ऐसा विमान जो 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। लेकिन ये हाइपरसोनिक जेट भी सच की जमीन पर बरसों के इंतजार के बाद ही उतर सकेगा। कुछ यही हाल पेंटागन के X-51A वेब राइडर हाइपरसोनिक जेट का भी है जिसे फिलहाल यात्री विमान के लिए नहीं बल्कि फौजी इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआती परीक्षण उड़ान 2014 में ही हो चुकी है लेकिन इसका पूर्ण विकसित रूप 2023 से पहले सामने नहीं आ पाएगा। जाहिर है स्पेस लाइनर, एयरबस का हाइपरसोनिक जेट या पेंटागन का X-51A वेब राइडर, ये सभी विमान भविष्य का सपना दिखाते हैं। लेकिन अतीत में एक यात्री विमान ऐसा भी रहा है जो 27 साल तक दुनिया को सुपरसोनिक रफ्तार की तेजी का तजुर्बा करा चुका है। इस विमान को दुनिया कहती थी कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड दुनिया का पहला सुपरसोनिक यात्री विमान था। चोंच जैसी नाक इसे मैक 2 की रफ्तार देती थी, यानी कॉनकॉर्ड आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ता था। कॉनकॉर्ड का कॉकपिट मूविंग था, यानी विमान के उतरने के दौरान कॉकपिट को आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। 1969 में कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। 1976 से लेकर 2003 में रिटायर होने तक ये समूची दुनिया में हवाई सफर करने वालों का दुलारा बना रहा। कॉनकॉर्ड 27 साल तक एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज की शान रहा। इसमें एक साथ 100 यात्री सफर कर सकते थे। अटलांटिक तक के सफर के लिए हर यात्री को करीब 4,000 पाउंड यानी करीब 4,00,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। हालांकि ये भी ताज्जुब की बात है कि महंगी कीमत पर 100 यात्रियों को ढोने की क्षमता होने के बावजूद कॉनकॉर्ड कभी भी अपनी एयरलाइंस को मुनाफा नहीं दे सका। फिर वो हुआ जिसने कॉनकॉर्ड की रफ्तार पर लगाम लगा दी। 25 जुलाई 2000, ये वो तारीख थी जिसने कॉनकॉर्ड के बेहद सुरक्षित होने के रिकॉर्ड पर काला धब्बा लगा दिया। इस दिन पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कॉनकॉर्ड हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सभी 100 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य मारे गए। इसके कुछ साल बाद ही ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस दोनों ने ही कॉनकॉर्ड को रिटायर्ड करने का फैसला किया। साल 2003 में इसकी आखिरी उड़ान हुई। लेकिन ये कॉनकॉर्ड की ही धमक थी कि इंजीनियर अब हाइपरसोनिक विमान विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो यात्रियों को लंदन से न्यूयॉर्क महज 1 घंटे में पहुंचा सकेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखा रहे हैं इंसान का वो सपना जो सदियों से चला आ रहा है, यानी एक पलक झपकते ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। डेली ट्रांसपोर्टेशन की बात भी होती है, कब ऐसा होगा कि एक इंसान सचमुच पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक रफ्तार की बात है, इस पर तकनीक ने बहुत हद तक काबू पा लिया है। धीरे धीरे इंसान पलक झपकते ही दूरियों को तय करने के अपने सपने को पूरा करता दिखाई दे रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कई विमानों का जिक्र मिलता है, लेकिन अब विज्ञान इस ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुष्पक विमान के बारे में कहा जाता था कि वो मन की गति से चलता है। हालांकि सचमुच ऐसे विमान बनाने में बहुत समय लगेगा अभी, लेकिन आवाज से दोगुनी रफ्तार वाला यात्री विमान बनाया गया था, कॉनकॉर्ड, जिसका नाम था। हमने आपको बताया भी किस तरीके से कॉनकॉर्ड लोगों की पसंद भी बना था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी रफ्तार पर लगाम लग गई। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्दी ही अंतरिक्ष से चलने वाला वो विमान भी बना लिया जाएगा, जब महज 8 मिनट में दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस तय कर लिया जाए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7 जहां खबरें जारी हैं।